तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑन द ब्लॉग एंड अनदर कार। हम देख रहे हैं आपका एल्ट्रोस एक्सजेड सीएनजी वेरिएंट है ये 952,900। एक्स शोरूम आपको दिल्ली के अंदर पड़ जाता है। एरकेड ग्रे कलर है ये जो आप देख रहे हैं। गाड़ी काफी अच्छी है क्योंकि इसमें 5 स्टार ग्लोबल एनकैप पे क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल जाती है हमें इसके अंदर देखने के लिए। सीएनजी के साथ स्पेस मिल जाता है, फीचर्स अपडेट कर दिए हैं। BS6 फेज 2 की ये गाड़ी है और इस सेगमेंट पे आपको स्विफ्ट वगैरह लो, ग्रैंड आइटन, नियोस वगैरह लो तो वहां आपको बूट स्पेस के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट यहाँ बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की अब जरूरत नहीं है। देखो यहाँ बैग भी रखे हुए हैं, पूरी वीडियो आगे आपको दिखाएंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम कि फीचर्स क्या क्या है और क्या क्या इसमें हमें टाटा ने ऑफर किया है। तो भाई स्टार्ट करेंगे गाड़ी के रियर से क्योंकि रियर में ही अपडेशन हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में फर्स्ट ऐसी हैचबैक मिली है जिसमें हमें आपको सिलेंडर सीएनजी गाड़ी में इतना स्पेस मिल रहा है जैसे कि आप बैग वगैरह देख रहे होंगे। और इसमें आपको 4 चीज़ें मिल जाती हैं, माइलेज, स्पेस, सेफ्टी रेटिंग प्लस कंफर्ट। चारों चीज़ें एक गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। 952,900 एक्स शोरूम प्राइस है इसके दिल्ली के अंदर। और अब आप देखो इसमें ट्विन सिलेंडर मिलते हैं सीएनजी, तो उसके साथ यहाँ पर लगेज भी रखा हुआ है तो इतना लगेज आप एक छोटा बैग यहाँ भी आ जाएगा। और कुछ भाई बोलेंगे कि IRVM की विजिबिलिटी कम हो गई, तो यहाँ से आप IRVM भी देख लो, मैं भी देख रहा हूँ, तो IRVM की विजिबिलिटी कम नहीं होगी। एक छोटा बैग भी आप इस पर ऊपर इजिली कैरी कर सकते हैं और सिलेंडर आपके दोनों नीचे हैं। तो यहाँ अब आपको स्पेस के साथ सीएनजी गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। टाटा ने ये चीज़ ख़त्म कर दी, अब आप स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सीएनजी गाड़ी में। वहीं बात करें रियर लुक से, स्टार्ट हो जाते हैं रियर लुक से गाड़ी के। यहाँ आपको LED बेस्ड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। यहाँ हाइड्रोलिक बूट गेट है इसका, यहाँ पे भी आपको एल्ट्रोस की बैजिंग मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पे टाटा का लोगो, ICNG की बैजिंग, बूट गेट पे भी आपको LED टेल लैम्प मिलेंगे, पार्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपका रिवर्स लाइट, यहाँ भी ऊपर ये पार्ट ब्लैक मिलेगा बूट गेट का। कुछ रियर वाइपर मिल जाएगा विद वॉशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, यहाँ कुछ ब्लैक पार्ट मिलेगा देखने के लिए आपको स्पॉइलर की जगह पे। रियर डिफॉगर, यहाँ CNG का स्टिकर, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, कुछ इस तरह से गाड़ी का रियर लुक है। थोड़ा सा एक बार बंद कर देते हैं गाड़ी को हल्का सा, तो यहाँ से गाड़ी का रियर लुक भी आप पूरा चेक कर सकते हो कि भाई गाड़ी लग कितनी प्यारी रही है, कि लग कितनी अट्रैक्टिव रही है। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो साइड में पहले की दिखा दूँ, कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें। इंजन स्मार्ट की मिलेगी, पीछे टाटा का लोगो। ये आपका लॉक अनलॉक, ये लाइट ऑन हो जाएगी बूट गेट अनलॉक करने के लिए। 2 की मिलेंगी स्मार्ट की, इसमें फिजिकल की यहाँ मिल जाएगी, आपको बटन प्रेस करके बाहर निकाल सकते हैं। सेम बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, ORVM ब्लैक मिलेंगे और ORVM के साथ आपको वेलकम फीचर मिल जाएगा। लॉक करोगे तो फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे भी छोटा सा ग्लास मिल जाता है, ये पार्ट पूरा ब्लैक मिलेगा। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। बी पिलर भी मैट ब्लैक में है। यहाँ 50 ईयर सेलिब्रेटिंग का टैग लगाया हुआ है टाटा ने, इसमें 25 ईयर 50 लाख का 1998 to 2023। और ORVM पे ना आपको गार्निश ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ ORVM पे इंडिकेटर तो यहाँ पे है आपका, बट यहाँ पे गार्निश पार्ट मिलेगा जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। रनिंग बोर्ड्स हैं, बॉडी कलर मिलेंगे, 16 इंच का इसमें हमें अलॉय मिलेगा 4 स्पोक में, डुअल टोन में। फ्रंट डिस्प्ले के रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाएंगे विद 2 वॉशर्स, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। यहाँ आपको पार्किंग लाइट मिल जाएगी, इसके ऊपर इंडिकेटर है। ये हाई बीम के लिए हाइलोजन बेस हेडलैम्प, लो बीम के लिए हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर मिलेगा। नीचे फॉग लैम्प, कुछ इस तरह से लोअर ग्रिल मिलेगी मैट ब्लैक में इसमें। यहाँ आपका ग्लोसी ब्लैक में रेडिएटर ग्रिल मिलेगी आपको, बीच में टाटा का लोगो, यहाँ भी गार्निश मिलेगी नीचे ग्रिल के भी देखने के लिए आपको, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके इस पार्ट तक आपका आएगी फेंडर तक। इस साइड आपका इंडिकेटर दोनों फेंडर्स पे, इस साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, ये पार्ट पूरा ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। यहाँ पे आपका 60 लीटर का फ्यूल टैंक। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो भाई ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर में। कुछ इस तरह की मिल जाएगी स्मार्ट की हमें, जिसमें लॉक अनलॉक, ये दबा करके लाइट ऑन हो जाएगी, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए स्मार्ट की है। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, फिजिकल की यहाँ पे दी हुई है आपका, ये बटन प्रेस करने के बाद ये बाहर आ जाएगी।
और इसमें ना हमें वेलकम फीचर मिल जाता है, गाड़ी अनलॉक करेंगे तो ORBM अनफोल्ड हो जाएंगे और लॉक करेंगे तो फोल्ड हो जाएंगे। बूट गेट खुला हुआ है, अदरवाइज मैं करके दिखा देता, देखिए अभी मैं देखता हूँ करके, ये मैंने लॉक करा तो यहाँ बूट गेट खुला नहीं, तो गाड़ी लॉक होगी नहीं कस्टमर की वजह से, खोला हुआ शोरूम वालों ने। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है हमें ड्राइवर साइड देखने के लिए, जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पूरा ही आपका डुअल टोन में इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा आपको, ब्लैक और बेज कलर में। ये पूरा ही हार्ड टच में है प्लास्टिक डोर ओपनर, यहाँ पे स्पीकर जैसी कुछ जगह दी है, ये डोर ओपनर आपका। यहाँ ORBM कंट्रोल यूनिट फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट करने के लिए, ये वन टच अप वन टच डाउन है ड्राइवर साइड वाली विंडो, बाकी तीनों पावर विंडो मिलेंगी। ये आपको ग्रैब हैंडल डोर एक्सेस करने के लिए, ड्राइवर ट्री में हमारे सॉफ्ट टच में स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, टोटल 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, मैनुअली हाइट एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 3 पैंडल्स है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, 4th डेड पैंडल है क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन है। स्पेस यहाँ भी मिल जाता है थोड़ा हमें देखने लिए, मोबाइल वगैरह वॉलेट वगैरह कैरी कर सकता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये आपका फॉग लैंप के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ से, ये आपका CNG स्विच करने के लिए। ऊपर आएंगे AC वेंट, सराउंडिंग गार्निश और यहाँ ग्लोसी ग्रे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ चाबी की जगह होती थी, ये जगह ऐसे छोड़ दिया तो इसमें भाई स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से, तो विदाउट एनी डैप स्टीयरिंग मिलेगा इसका हमें। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं, पहला स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ मिलेगी। स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है, कुछ इस तरह से 3 स्पोक में स्टीयरिंग है, बीच में टाटा का लोगो, 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर यहाँ आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, इन्फोटेनमेंट सिस्टम के, ये आपका हॉर्न है यहाँ पे, टाटा का लोगो, ये स्पोक प्लेन मिलेगा, 3rd स्पोक भी प्लेन है, बाकी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है आपका। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहीं से आप अपनी हेडलाइट हाइट की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, रिंग मिल जाएगी एक। यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स हैं, ये ऑटो वाइपर्स मिलते हैं हमें रेन सेंसिंग, तो यहाँ वाइपर कंट्रोल्स लेफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का मिलेगा, डिजिटल ऑन कर लेते हैं एक बार, तो पूरा ही डिजिटल मिलेगा। टॉप स्पीड इसकी 200 तक जाती है, लेफ्ट में आपका RPM है, बीच में स्पीड मीटर है, बीच में स्पीड मीटर दिया हुआ है जिसमें आपका CNG मोड एक्टिवेट लिखा गया, ऊपर बूट गेट खुला हुआ तो उसकी नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं। ये CNG गेज, यहाँ पे आपका पेट्रोल गेज, इंजन नोटिफिकेशन साइड में आएंगी, किलोमीटर्स वगैरह, रिवर्स पार्किंग सेंसर का नोटिफिकेशन भी आ रहा है, वेदर वगैरह भी आप इसमें, टेम्परेचर भी यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ थोड़ा अट्रैक्टिव सा दिया हुआ है ये पार्ट, रग फील सा। यहाँ ए पिलर पे ट्विटर है, उस साइड भी ट्विटर मिलेगा, ए पिलर पे टाटा की गाड़ियों में मोस्टली ए पिलर में मिलता है हमें, मोस्टली क्या मिलता है यहीं पे है यार। पॉपअप डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिल जाएगा देखने के लिए, एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करेंगे तो USB के थ्रू कनेक्ट होगा ये, प्लीज कनेक्ट स्मार्टफोन विद ऑटो USB, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले आपका USB के थ्रू कनेक्ट होगा। नीचे आएंगे 2 AC वेंट, यहाँ हजार लाइट का बटन, एल्ट्रोस की बैजिंग, यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी आपको देखने के लिए, बड़ी प्यारा कलर लग रहा है देखने के लिए, अट्रैक्टिव सा, थोड़ा लाइट फील सा यहाँ पे मिलेगा, जो डैशबोर्ड का पार्ट है वही मिलेगा, बाकी ये ग्लोसी ग्रे में ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ आएंगे, यहाँ पे आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट, यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पोर्ट, यहाँ पे टाइप सी चार्जर, यहाँ पे भी थोड़ा आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएगी इस वाले स्पेस में भी, ये ग्लोसी ग्रे में मिलेगा। गियर कंसोल का ये वाला पार्ट, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, 2 कप होल्डर्स, यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाएगा आपको, मैग्नेटिक है बस थोड़ा स्पेस है, ज्यादा स्पेस इसके अंदर नहीं है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, यहाँ आपका ग्लोब बॉक्स ओपन हो जाएगा इस बटन से, विद लाइट ग्लोब बॉक्स मिलेगा आपको, और ये कूल्ड भी है, कूल्ड और लाइट के साथ ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, काफी बड़ा है ग्लोब बॉक्स, पेपर्स वगैरह आप अलग से कैरी कर सकते हैं, इसमें पार्टीशन बनाए हुए हैं इसके अंदर। ऊपर आएंगे, यहाँ मैनुअल डिमिंग आएगी, RBM से आपके, यहाँ पे वाइट रीडिंग लाइट है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है, टिकट वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं, टोल टिकट वगैरह, यहाँ माइक, यहाँ पे वेंटी मिरर मिल जाएगा सन वॉइजर में, इस साइड खाली टिकट होल्डर मिलेगा। तो ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट, अब चलते हैं एक बार पैसेंजर सीट्स पे। अब आ जाते हैं पैसेंजर डोर पे, तो यहाँ सेलिब्रेशन 25 ईयर 50 लाख कार 1998 टू 2023, इन्होंने अपना सेलिब्रेशन बैज भी लगाया हुआ है एल्ट्रोस CNG के ऊपर। यहाँ में इसका डोर ओपनर मिलता है, बाहर साइड से डोर हैंडल जो है, यहाँ पे डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, पैसेंजर ट्री मामला भी सॉफ्ट टच में बस छोटा सा है, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, यहाँ आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे,
देखने के लिए। बीच में आर्मरेस्ट भी है, यहाँ पे दो एसी वेंट, एक चार्जर मिल जाएगा, यूएसबी पॉइंट है यहाँ पे 5 वॉट का, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। रीडिंग लाइट आ गई है, बाकी ग्रैब हैंडल्स वगैरह दोनों साइड दिए। तो भाई ये था गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ। गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, बाकी गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट में दिखाना, वैल्यू फॉर मनी आपको लगी नहीं लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और गाड़ी के बारे में अगर कुछ भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव लगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।